हाँ जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो पहले तो गाइस, हम लोग 19,000 के काफी करीब हैं, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो सब्सक्राइब, का एक भी पैसा नहीं लगता है। और कमेंट में बताओ आज का इंट्रो कैसा लगा। अगर इंट्रो अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट में जय श्री राम लिख दो। और अभी चलने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। और गाइस, आज एक बात भी आपसे पूछना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी मैं खेतों की तरफ निकल आया हूँ आपसे थोड़ी बात करने। तो गाइस, मैं अब एक बात कहता हूँ कि गाइस, आप खुद सोचो कि मैं जब कभी कभी बाहर भी जाता हूँ घूमने के लिए किसी यूट्यूबर से मिलने, वरना मैं घर की ही वीडियो बनाता रहता हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है मोटरसाइकिल के अलावा। क्योंकि मेरी जो जनता है वो भी कहीं कहीं बोर हो जाओगे, आप लोग भी बोर हो जाओगे ये खेतों की कहाँ तक देखोगे। मैं भी ये बात जानता हूँ, मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को पाया है, इतनी प्यारी जनता पाई है जो मुझे 1,500 लोग देखते हैं, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, आप लोग लाइक करते हैं। तो एक आप मेरी फैमिली के हिसाब से, तो एक फैमिली मेम्बर के हिसाब से आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहूँगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर से बताना, और पहले बात सुन लेना, बाद में ही गाइस कमेंट करना। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बाइक परचेज करूँ, यानी एक मोटरसाइकिल खरीदूँ, वो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं फुल पेमेंट कर दूं, वो भी यानी थोड़ा मैं जमा कर दूंगा, डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी फाइनेंस कर देंगे, लेकिन वो फाइनेंस धीरे धीरे भर देंगे यानी आप लोगों के प्यार से। इससे क्या होगा, अगर मैं बाइक खरीदता हूँ तो मैं दूर दूर जगह पर जा सकता हूँ, अंत अंत की वीडियो ला सकता हूँ बढ़िया बढ़िया, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बढ़िया लगेगा और आप लोग भी ज़्यादा प्यार दे पाओगे और हमारी फैमिली भी बड़ी होगी। क्योंकि यार, खेत खेत का इंसान कहाँ तक वीडियो देखेगा, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन कुछ भाई मेरे ऐसे ही अगर कमेंट करेंगे कि भाई पहले तो अपना इलाज करवा ले, तो इलाज की बात ये रही गाइस कि मैं इलाज भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं इलाज नहीं करवाऊँ, क्योंकि इलाज का मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा भी चुका हूँ और बहुत सारा पैसा भी उसमें लगेगा, लेकिन कोई ने अभी तक गारंटी नहीं दी, यानी इलाज का कोई भरोसा नहीं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा, तो मेरे यार कहीं के सपने फ्री के धरे रह जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़े थोड़े सपने भी साथ में पूरा कर चलूँ। तो मुझे आशा है आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मेरी जो जनता है वो हमेशा मेरे साथ खड़ी है, हमेशा मेरे सपोर्ट में है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताओ कि मैं जो बाइक लेने का डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत, और कौन सी बाइक लूँ ये भी आप कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं जो बाइक ले रहा हूँ और सोच रहा हूँ आप लोग बताओगे तो बोल लेना, लेकिन सस्ती बताना जो मैं परचेज कर सकूँ। और लेकिन वो तो अगर आप लोग कहोगे तो वो तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी होगा कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, वो पापा दिलवाएंगे, जो डाउन मैंने ये पहले ही बता दिया कि डाउन पेमेंट थोड़ी कर देंगे, उसके बाद जो है वो फाइनेंस कर देंगे, थोड़ी थोड़ी किस्त के हिसाब से जमा कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो और आप लोग कमेंट अच्छी ही करोगे कि हाँ भाई आप एक बाइक लो और जिससे अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सको, क्योंकि आप भी और मेरी फैमिली ही हो। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो कहोगे वो सही होगा। तो अब चलते हैं घर पर, मैं इसीलिए बाहर आया कि मैंने कहा आपसे बात करते हैं, आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझोगे, तो कमेंट करना ज़रूर। तो गाइस, आज मम्मी का नवरात्रि का व्रत था, तो अभी मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, अब खाएंगी कुछ ये मम्मा सभी दिखाएंगे, नहीं अबे चाय यानी अभी थोड़ा बहुत खा लिया चाहिए। तो मैं मम्मी को बता दूं कि मम्मी हमने आज वीडियो में बताई कि हम लोग मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे। तो गाइस, मैं बता दूं आप लोगों की यानी जो मम्मी पापा हैं और लोग जिनसे मैंने राय दी, यानी जो अपने गांव के लोग हैं दोस्त वगैरह मेरे, तो वो मुझे स्प्लेंडर की सलाह देते हैं कि स्प्लेंडर लोग मान लो हल्की गाड़ी भी, हल्की भी होती है स्प्लेंडर प्लस और मजबूत भी होती है, यानी खेत वेत कहीं भी ले जा सकते हो। लेकिन बट यार प्रॉब्लम पता क्या है कि वो वीडियो के मकसद से नहीं भैया, कहीं ना कहीं उसके मीटर वगैरह वो नहीं, इसलिए वीडियो के माध्यम से वो मुझे सही नहीं लगती। तो मैं दूसरी बाइक लेना चाहता हूँ कि जो वीडियो के हिसाब से सही हो, तेज भी ना हो। आप लोगों की राय में कोई अच्छी बाइक हो जो वीडियो में देखने में काफ़ी अच्छी लगे और लेकिन सही भी हो पर्सन की, तो मैं दूंगा जरूर। और हमने सब बता दिया आप लोगों को, तो आप कमेंट जरूर से कर देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर से बताना कि मैं कौन सी बाइक खरीदूँ।
अपनी राय जो अच्छी भी हो और वीडियो में काफ़ी अच्छी लगे, लेकिन स्प्लेंडर तो नहीं सोच रहे, फिर बनी तो स्प्लेंडर भी ले सकते हैं, बट कोई दूसरी बाइक ज़्यादा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कौन सी ले सकता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, बस सपोर्ट दिखाना, तब तक जय हिंद जय भारत।